राधे राधे एवरीवन, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन पोपा बाई की कहानी का नियम लिया जाता है। एक मकर संक्रांति यानी संक्रांत को हम कहानी का नियम लेते हैं। पूरे एक साल तक प्रतिदिन हम पोपा बाई की कहानी सुनते हैं और अगली मकर संक्रांति को पोपा बाई की कहानी का उद्यापन किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पोपा बाई की कहानी का उद्यापन हमें कैसे करना है, उद्यापन में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, ये सामग्री हमें किसे देनी है, कब देनी है और कैसे देनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सामग्री दिखा देती हूँ कि हमें पोपा बाई की कहानी का उद्यापन करते समय क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो चलिए पहले सामग्री देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगी कि ये सामान हमें किसे देना है और कब देना है। तो सबसे पहले तो पोपा बाई के लिए हमें एक चुनरी लेनी है, तो चुनरी या साड़ी हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साड़ी ले ली है, आप लाल, पीले, हरे किसी भी शुभ कलर की साड़ी ले सकते हैं। साड़ी के साथ ही हम कुछ सिंगार का सामान ले लेंगे। तो आप चाहे तो आप सिर्फ एक बिंदी का पत्ता ले लीजिए या आप चाहे तो 5-7 कितना भी सिंगार का सामान ले सकते हैं। इसके साथ ही पैंट शर्ट का हम जोड़ा ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने पैंट शर्ट का जोड़ा भी रख लिया है और हमें गोले जरूर लेने होते हैं। तो देखिए इस तरह के सूखे जो गोले होते हैं ना, ये हम लेंगे। 4 गोले हमें लेने हैं और इनको आधा आधा काट के हमें 8 बना लेना है, यानी गोले की 8 कटोरियां हम बना लेंगे। तो इस तरह के साबुत जो गोले होते हैं उनको हम बीच से काट लेंगे। तो देखिए इस तरह की जो कटोरी है ना वो बन जाएंगी गोले की। अब ये 8 बनानी है लेकिन डेमो वीडियो है इसलिए मैंने एक ही काट के दिखाया है। इसमें हम राई भर देंगे। पोपा बाई की कहानी का जब हम उद्यापन करते हैं तो राई हमें जरूर दान करनी होती है और कहानी सुनते हैं तब भी राई हाथ में लेके कहानी सुनते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने 8 इस तरह से गोले की कटोरियां लेनी है और उनको राई से भर लेना है। तो और साथ में हम सभी के ऊपर दक्षिणा रख देंगे। तो जो 8 गोले की कटोरियां हैं सबके साथ हमें अलग अलग दक्षिणा रखनी है। तो दक्षिणा आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज्यादा कितनी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने गोले में राई भर के रख ली है। इसके साथ ही हमें कुछ खाने का सामान भी लेना है। तो आप चाहे तो आप मिठाई ले सकते हैं या आप रेवड़ी मूंगफली भी ले सकते हैं। संक्रांत के दिन रेवड़ी मूंगफली के दान का बहुत महत्व होता है, तो आप रेवड़ी मूंगफली ले लीजिए या कोई भी आप मिठाई ले सकते हैं। सारा सामान हम मिनस देंगे। तो हाथ में जल लेकर जल इसके ऊपर से घुमा देंगे और जल को जब हम इस सामान के ऊपर से घुमाएंगे तब हमें बोलना है, लेखा लेगी राई राई राज करेगी पोपा बाई, लेखा लेगी राई राई राज करेगी पोपा बाई, ये कह के हम ये जल छोड़ देंगे और फिर नमस्कार कर लेंगे। इस तरह से सारा सामान हम मिनस देंगे। उसके बाद आप ये सामान किसी भी पंडिताइन को दे सकते हैं। आप चाहें तो आप मंदिर में पहुंचा सकते हैं या आपके आसपास कोई पंडिताइन रहती है उसको आप ये सारा सामान दे देंगे। इस मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम रोजाना की तरह पोपा बाई की कहानी सुनेंगे। जहां पर कहानी सुनेंगे वहीं पर ये सारा सामान रख लेंगे। सारे सामान को मिनस के और कहानी सुनने के बाद ये सारा सामान हम किसी भी पंडिताइन को दान दे देंगे। जो ये गोले है ना राई भरे हुए, ये जरूर दान देने हैं। तो इस तरह से पोपा बाई की कहानी का उद्यापन हो जाएगा। पोपा बाई की कहानी का उद्यापन करना बहुत ही सरल है। तो उद्यापन की सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हो पोपा बाई की, राधे राधे।